हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम आपके लिए डिवाइड के दो एग्जांपल लेकर आए हैं जो आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, और ये दोनों ही एग्जांपल आप में से ही कुछ साथियों ने हमसे कमेंट करके पूछा है। तो आइए देखते हैं इसमें से पहले एग्जांपल को, जो कि है 12,841 को हमें डिवाइड करना है 21 से। और उसके बाद दूसरा एक ऐसा एग्जांपल है जो कि छोटे नंबर को हमें बड़े नंबर से डिवाइड करना है, यानी कि 400 को 22,875 से डिवाइड करना है। तो पहला एग्जांपल देखिए, उसके बाद दूसरा एग्जांपल देखेंगे। पहले एग्जांपल में हमें क्या करना है, लिखा हुआ है 12,841, तो इस नंबर को हमें डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 21 से। तो इसको अंदर लिखते हैं इस तरह के सिंबल के, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर बाहर लिख देते हैं। तो 21 से इस नंबर को हम डिवाइड कर लेंगे। तो इसको डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 21 का हमें पहाड़ा याद होना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर तो सबको 20 तक ही पहाड़े याद होते हैं, और बहुत से लोगों को 10 ही तक पहाड़े याद होते हैं। तो मैं आपको इसमें ये तरीका बताऊँगा कि अगर आपको 10 तक भी पहाड़े याद हैं तो भी आप किसी भी डिवाइड को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें पहाड़ा इसका पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि ये कितने अंक का डिजिट है। ये दो अंक का डिजिट है, तो अंदर के दो अंक को देखेंगे, यानी कि 21 दो अंक में लिखा है, तो 12 यानी कि 12 को देखेंगे, लेकिन अंदर वाला नंबर बड़ा होना चाहिए बाहर वाले नंबर से। तो बाहर 21 है, अंदर 12 है, तो 12 छोटा है इससे। तो फिर हम क्या करेंगे, दो के बजाय तीन अंक को देखेंगे, यानी कि 128 को देखेंगे। अब अंदर वाला नंबर बाहर वाले नंबर से बड़ा हो गया, ठीक है। अब हम इसमें क्या ट्रिक लगाएंगे, इसमें हमें 21 का पहाड़ा नहीं आता, हमें सिर्फ इसमें 2 का पहाड़ा आता है। तो 21 के लास्ट में एक नंबर है, तो इसलिए इसके आखिरी के एक नंबर 8 को हम छोड़ देते हैं, मान लेते हैं या नहीं लिखा है। तो सिर्फ ये सोचिए दो मिनट के लिए कि 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 12 आए या 12 से कम आए। तो 2 का पहाड़ा आपको मालूम है, 6 बार पढ़ेंगे और 12 आ जाएगा। तो अंदाजा लगा लिया आपने कितनी बार पहाड़ा पढ़ना है, 6 बार पहाड़ा पढ़ना है। इतना काम हो गया, आधा काम आपका खत्म हो गया। अब आपको क्या करना है, इस 6 का इस पूरे नंबर में मल्टीप्लाई करके तीन नंबर के नीचे लिखना है, 128 के नीचे। सिर्फ हमने 2 से अंदाजा लगा के 6 लिख लिया है। अब 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, 2 1 6 1 6 होता है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर 6 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 12 होता है, ये 12 यानी कि 12 लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, लाइन को खींच के घटाएंगे, घटाने पर बचेगा यहाँ 2, यहाँ पर कुछ भी नहीं। घटाने के बाद क्या करते हैं, लाइन को आगे बढ़ाते हैं, अगला जो भी नंबर है उसको नीचे उतार लेते हैं, 24 आ गया। अब इसका पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 24 आए या 24 से कम आए, तो इतना तो आप पढ़ ही सकते हैं, एक बार पहाड़ा आपको मालूम है, एक ही बार पढ़ेंगे तभी 21 आएगा, दो बार पढ़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा हमें लाना नहीं है। तो एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे 21 आ जाएगा, घटाएंगे, यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। अब घटाने के बाद फिर से लाइन को आगे बढ़ाएंगे और अगला जो भी नंबर है उसको नीचे उतार लेंगे। अब ये हो गया 31, फिर से इसका पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 31 आए या 31 से कम आए, तो फिर से आपको मालूम है पहाड़ा एक ही बार पढ़ेंगे तभी 21 आएगा, दो बार पढ़ेंगे तो 20 20 40 ज्यादा हो जाएगा, और ये 31 ही लिखा है। तो फिर से 21 आएगा, लाइन को खींच के घटाएंगे, यहाँ 0 बचा, यहाँ पे 1 बचा। घटाने के बाद फिर से वही काम करते हैं, लाइन को आगे बढ़ाते हैं और अगले नंबर को नीचे उतार लेते हैं, लेकिन यहाँ पर तो आगे कोई नंबर है नहीं, इसका मतलब ये डिवाइड आपका कंप्लीट हो गया है, और ये आपका भागफल आ गया है, और ये आपका शेषफल आ गया है। अगर आप इस डिवाइड को यहीं छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर इस डिवाइड को और आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके शेषफल में कुछ बच गया है। अगर शेषफल में कुछ ना बचा होता तब तो यही आपका एग्जैक्ट आंसर होता, लेकिन अगर कुछ बच गया है तब आप इसका आंसर कैसे बताएंगे, पहले ये नंबर लिखेंगे 611 सही, और फिर लाइन इस तरह से खींचेंगे, नीचे जो नंबर बचा है वो नंबर लिखेंगे, और लाइन के नीचे जिस नंबर से डिवाइड कर रहे थे वो नंबर लिखेंगे, और आप कह देंगे मेरे इस डिवाइड का एग्जैक्ट आंसर है 611 सही 10/21। अगर नीचे कुछ शेषफल में बच गया है तब इस तरह से आंसर लिखा जाता है, अगर नीचे कुछ ना बचा होता तो सिर्फ यही भागफल आपका यही आंसर होता, लेकिन अगर कुछ बच गया है और आप इस तरह से आंसर बता रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप इस तरह से आंसर नहीं बताना चाहते हैं, इसका आंसर पॉइंट में बताना चाहते हैं तो कैसे बताएंगे वो भी देख लीजिए। तब आप क्या करेंगे, घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारा जाता है, मगर आगे कोई नंबर नहीं है, तब आप अपने मन से यहाँ पर एक पॉइंट लगाइए, और पॉइंट की वजह से आप यहाँ एक 0 लगा सकते हैं। अब ये हो गया 100, अब इसका पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 100 आए, 100 से कम आए। अगर ये 20 होता तो पहाड़ा 5 बार पढ़ते तो 100 आ जाता,
लेकिन ये तो 21 है, 5 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 105 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा और हमें ज्यादा लाना नहीं है। इसका मतलब पहाड़ा 4 ही बार पढ़ेंगे। अब 4 कैसे मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख दीजिए, 4 एकम 4, 4 दुना 8, फिर लाइन को खींच के घटाएंगे, यहाँ बचा 6, यहाँ बचा 1, यहाँ पर कुछ भी नहीं। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के 0 अपने मन से लगा सकते हैं क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है। अब इसका पहाड़ा कितनी बार पढ़ें तो हमें 2 का पहाड़ा आता है, 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 8 दुना 16 होता है, ठीक है, तो 16 आ गया। मगर हमें 8 का इस पूरे में मल्टीप्लाई करना है तो 8 का इस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8 एकम 8 और 8 दुना 16। अब ये नंबर इससे ज्यादा हो गया, ज्यादा हमें लाना नहीं है, अगर ज्यादा हो रहा है तो इसको हटा दीजिए और ये जो नंबर यहाँ लिखा है इसको हटाकर इससे एक नंबर कम लिख लीजिए, 7 लिख लीजिए। अब 7 कैसे मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख दीजिए, 7 एकम 7, 7 दुना 14 होता है, फिर लाइन को खींचे घटाएंगे, यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 1, यहाँ पर कुछ भी नहीं। घटाने के बाद फिर से लाइन को आगे बढ़ा के यहाँ 0 आप लगा सकते हैं क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है और इस तरह से इसे आप जितना आगे चाहें उतना सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इस डिवाइड को कर सकते थे। आइए अब हम अगले एग्जांपल को देखते हैं कि छोटे नंबर को बड़े नंबर से कैसे डिवाइड किया जाता है। तो दूसरा एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इसमें हमें क्या करना है, 400 को 22,875 से डिवाइड करना है। इतना बड़ा पहाड़ा तो भैया किसी को भी याद नहीं होता है, उसके बाद भी आप इसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। पहला कंडीशन ये है इसको सॉल्व करने की, अगर अंदर नंबर छोटा हो तो छोटा नंबर नहीं होना चाहिए, अंदर नंबर बड़ा ही होना चाहिए बाहर वाले नंबर से। अगर अंदर नंबर छोटा लिखा है तो पहला काम क्या करेंगे आप, अंदर वाले नंबर को बड़ा बनाएंगे। बड़ा बनाया कैसे जाता है वो देखिए, अंदर लिखा है 1, 2, 3, 3 अंक का डिजिट लिखा है, बाहर कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 5 अंक का डिजिट है। तो अंदर भी सबसे पहला काम क्या करेंगे, 5 अंक का डिजिट बनाएंगे। कैसे बनाया जाता है वो देखिए, सबसे पहले 0 लगा के एक पॉइंट लगाइए अपने मन से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट की वजह से आप यहां एक 0 लगा सकते हैं। अब ये कितने नंबर हो गए, 1, 2, 3, 4, 4 हो गए, लेकिन ये 5 है, तो इसे 5 बनाएंगे कैसे, एक पॉइंट की वजह से एक जीरो लगाया, अभी भी ये छोटा है तो एक जीरो और लगाएंगे, इस जीरो की वजह से एक जीरो यहां पर लगा देंगे। अब ये हो गया 5 नंबर का डिजिट। बाहर लिखा है 22,875, अंदर लिखा है 40,000, तो अंदर वाला नंबर बड़ा हो गया, अब हमारा काम हो जाएगा। लेकिन हमको इसका पहाड़ा नहीं आता है, हमें पहाड़ा आता है सिर्फ 2 का। तो 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि आ जाए कितना, 4 या 4 से कम। तो 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है 22,000 समथिंग, 22,875 यानी 22,000 कुछ लिखा है और ये लिखा है 40,000। तो सिंपल सी बात है, हम अगर 22,000 यहाँ 20,000 भी होता तो 20,000 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते तो 40,000 हो जाता, ठीक है। लेकिन ये 20,000 से ज्यादा है, इसका मतलब 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 40,000 से ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब पहाड़ा एक ही बार पढ़ना है, इतना तो आप एक बार तो पहाड़ा किसी का भी पढ़ ही सकते हैं चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो। एक बार किसी भी नंबर का पहाड़ा पढ़ेंगे तो जो नंबर है वही नंबर आएगा, उसको यहाँ लिख देंगे। तो 22,875 ये है, ये लिख दिया। फिर क्या करेंगे, लाइन को खींच के इसको घटाएंगे, यहाँ बचेगा 5, यहाँ 9 में से 7 गया बचा 2, 9 में से 8 गया बचा 1, यहाँ पे घटाएंगे 9 में से 2 गया बचा 7, यहाँ बचा 1। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के अपने मन से यहाँ 0 लगा सकते हैं क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है इसलिए। अब ये हो गया 1,71,250। अब हमें क्या करना है, इसका पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि ये नंबर आए या इससे कम आए। तो हमें इसका पहाड़ा नहीं आता, हमें सिर्फ 2 का पहाड़ा आता है और 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 17 आए या 17 से कम आए। तो 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 16 आ जाएगा, अंदाजा लगा लिया इससे कम ही आ रहा है तो ठीक है। अब हम 8 का क्या करेंगे, इस पूरे नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे और इसके नीचे लिख देंगे, अंदाजा लगा के 8 हमने लिख दिया है। 8 का जब हम इस पूरे नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1,83,000, ये नंबर आएगा। अब ये नंबर बताइए ऊपर वाले नंबर से बड़ा है या छोटा है, ये नंबर बड़ा है और हमने आपको यही बताया है कि इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि जो नंबर ऊपर है वो नंबर आए या उससे कम आए मगर उससे ज्यादा ना आए। यहां पर उससे ज्यादा आ गया, इसका मतलब ये गलत है, इसको यहां से हटा देंगे। हमने अंदाजा तो 8 बार लगाया था मगर वो 8 बार अंदाजा लगाया है उससे थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो अंदाजा लगाने में अगर कभी ज्यादा हो जाए तो आप क्या करेंगे, उस नंबर से एक नंबर कम लेंगे तो 7 ले लेंगे। अब 7 का इसमें मल्टीप्लाई करिए और इसके नीचे लिख दीजिए, ये 7×35 की 5 हासिल लगी 3, 7×49 और 3 52 की 2 हासिल लगी 5, 7×49 7×8 56, 56 और 5 हो जाएगा 61, 61 की 6 हासिल लग जाएगी और 7 दुना 14 और 6 हो जाएगा 20 की 0 हासिल लगी 2
और 7 × 2 = 14 और 2 = 16। इस तरह से यहाँ नंबर लिखेंगे और इसको आप यहाँ पर लाइन को खींच के घटा लेंगे। यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा कितना, यहाँ 4 में से 2 गया तो बचा 2, यहाँ पर 2 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर कुछ भी नहीं। घटाने के बाद फिर क्या करेंगे, लाइन को आगे बढ़ा के यहाँ पे 0 आप अपने मन से लगा सकते हैं क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है। यहाँ पे बचा है 11,125 और लाइन को बढ़ा के 0 लगा लेंगे क्योंकि पॉइंट लगा है और इसके आगे जितना आप चाहें उतना सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से इस डिवाइड को किया जाता है। इसके आगे अब आपको ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पॉइंट के 3 अंक तक हमने इसका आंसर निकाल लिया है और इतना काफ़ी होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर आपके दिमाग में भी कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नए वीडियो में। जब तक के लिए बने रहिए जैक सर के साथ।